अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम आईसीसी और बीसीसीआई के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए वनडे विश्व कप के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। बड़े मैच के लिए गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन दिन रात छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रहा है, जिससे साफ पता चल रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपनी छाप छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है। After long time, India is going to organize the ICC Cricket World Cup 2023, and we are very much thankful to the BCCI that they had given an opportunity to host five important games at Narendra Modi Stadium, and to the Gujarat Cricket Association. We are going to try our best to give a best performance during the World Cup, and I am hopeful with this World Cup will be a memorable to all over the world. मैदान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए तीन तरह की विशेष घास का इंतजाम किया गया है। मैदान को हरा भरा बनाए रखने के लिए दिन के साथ साथ रात में भी पानी डाला जा रहा है। दर्शकों की सुविधा के लिए स्वच्छता का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। मैच का पूरा मजा दर्शक ले सकें, इसके लिए दो बड़ी LED स्क्रीन भी मैदान में लगाई जा रही है। दिव्यांग दर्शकों के लिए मैदान के चारों ओर और विकलांग दर्शकों के लिए हर 10 मीटर की दूरी पर शौचालय बनाए गए हैं। खेल पत्रकारों के लिए बैठने की भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। कमेंट्री बॉक्स को भी नया लुक दिया जा रहा है। 1,32,000 सीटों वाला नरेंद्र मोदी स्टेडियम एक दिवसीय शोपीस के कई प्रमुख मुकाबलों की मेजबानी करेगा। 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच उद्घाटन मैच होगा, जबकि 14 अक्टूबर को बहुप्रतीक्षित भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला होगा। विश्व कप का फाइनल मैच भी 19 नवंबर को इसी मैदान पर खेला जाएगा।